बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, विधानसभा में अब बीजेपी विधायकों की संख्या 77 हो गई है। अब क्या बीजेपी की नज़र कांग्रेस के सभी 19 विधायकों पर है? हम बात करेंगे बीजेपी के विधायक एवं पार्टी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल से। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अब बीजेपी की नज़र जो है कांग्रेस के 19 विधायकों पर और जल्द कांग्रेस में टूट हो सकती है। कांग्रेस के भी कई लोग हम लोगों के संपर्क में हैं, या राजनीति में कुछ भी संभव है, सब लोग अपना भविष्य देखते हैं। कांग्रेस के भी मित्र अपने सुखद भविष्य की कामना को हम लोगों के साथ देखते हैं। ये अभी गर्भ में है, लेकिन बहुत जल्द बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। मतलब कि बिहार में कांग्रेस में जल्द बड़ा धमाका होने वाला है? निश्चित 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 होगा। मतलब बीजेपी की संख्या अब 90 पार लगता है, जल्द विधानसभा में जब बहुत जल्द पहुँचेगी। खबर तो आ रही है कि 13 के आसपास संख्या है, हो सकता है उससे भी बढ़ सकता है। मतलब उससे बढ़ सकता है संख्या, क्यों बीजेपी तेजी से बढ़ाना चाह रही है विधानसभा? अब लोग आना चाहते हैं हमारे विचारधारा से प्रभावित होकर के, हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित होकर के, तो मना तो नहीं ना किया जा सकता है। अगर वाले जब कांग्रेस के विधायकों को तोड़िएगा तो सबसे पहले तो 2/3 चाहिए ताकि सदस्यता पर कोई असर ना पड़े, तो अब 13 बता रहे हैं। अब देखिएगा, समय आने दीजिए ना, सब हो जाएगा। क्या उन लोगों से मंत्री भी लोगों को बनाया जाएगा? अब वो सब तो बात की बात है, लेकिन वो लोग भी संपर्क में है, जल्द टूट होने वाली है। निश्चित निश्चित। देखिए साफ तौर पर हमने ये इनसे सुना है कि बिहार कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने साफ कहा है कि बिहार में कांग्रेस में जल्द बड़ा धमाका होने वाला है, सो कई सारे कांग्रेस के विधायक बिहार में जल्द बीजेपी में आएंगे और बीजेपी की संख्या सदन में 90 से ज्यादा हो जाएगी, ये दावा कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। क्या बीजेपी के विधायक को पावर दिया गया है कि कांग्रेस के विधायकों से बात कीजिए, और किस विधायक से बात हुई, एक भी नाम तो बताइए। मैं नेता विधानमंडल दल के हैसियत से कहता हूँ, मेरा 19 विधायक है हम लोग, और 3 वहाँ परिषद में हम लोग सब इंटैक्ट है, एक साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस में कोई टूट की संभावना नहीं? कोई टूट की संभावना नहीं है कांग्रेस। देखिए अभी आनंद शंकर सिंह भी आ रहे हैं। हाँ। कोई कांग्रेस में कोई एक विधायक है जाने वाला बीजेपी में? तो ये जो चर्चा ये लोग कर रहे हैं वीआईपी पार्टी को देखते हुए, कितना दम नजर आता है? वो सपना देख रहे हैं, कई सपना देखे होंगे, और इस सब बातों में कोई दम नहीं है।